हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की बुक, जो कि है एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस, विच इज़ रिटन बाय आर के शर्मा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर बुक है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये जो बुक है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में बुक है, और ये बुक तभी आपके यूज़फुल है अगर आपने एग्रीकल्चर का थोड़ा बेसिक अगर आपने पढ़ रखा है, कि इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है ये बुक। तो इसके लिए एक बेसिक नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। तो अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर की सारी कोर्स बुक्स पढ़ ली हैं, अगर आप उसको इसके बाद फाइनली इस बुक को अगर आप रिवाइज करोगे, देन इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू। लेकिन इससे पहले आपको एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम को स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर नंबर 1 हमारा एग्रोनॉमी का रहने वाला है। सो लेट गेट स्टार्ट। और उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो लाइक नहीं करी, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ हियर वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर एग्रोनॉमी, एंड इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन से डील करेंगे पहले पार्ट में, अलग अलग क्रॉप्स के क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ वेरी ब्रॉड टर्म इनकम्पेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं, इंक्लूडिंग अदर थिंग्स लाइक लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जो पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको भी रियर करते हैं, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ये सारी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर वर्ड डराई फॉर्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, कौन सा टर्म या कौन सा वर्ड किस से डराइव हुआ है, किस लैंग्वेज के वर्ड से डराइव, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि एग्रीकल्चर किस वर्ड से डराइव है, आंसर इज लैटिन। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, कौन से वो लैटिन वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं, एगर एंड कल्चरा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड्स एग्रा और कल्चरा से बना है। एग्र का मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टिवेट। तो एग्रीकल्चर मीन्स होता है टू कल्टिवेट द सॉइल। नेक्स्ट क्या है, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे बोला गया है कौन सी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की जिसमें हम डील करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, किसके संग डील करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, किस चीज़ की प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस की, हम सॉइल को, क्रॉप को, वाटर को किस तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, फील्ड में जो फील्ड है उसमें सॉइल है, उसमें कितना वाटर लेना है, कौन सी क्रॉप ग्रो करनी, इन सबको मैनेज करते हैं। तो इन सब के मैनेजमेंट के पीछे की जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं, तो उससे जो साइंस डील करती है, दैट इज़ रिफर्ड एज एग्रोनॉमी। ओके, यहाँ पे एग्रोनॉमी के बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वेला भी हम आगे डिस्कस ही करेंगे। तो एग्रोनॉमी में याद रखना, एग्रोनॉमी डील्स विद मेनली विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अभी आप इसका मतलब समझेंगे कि एग्रोनॉमी किस शब्द से डराइव है, तो ये ग्रीक शब्द से ड्राइव है। डोंट फॉरगेट कि एग्रीकल्चर लैटिन शब्द से ड्राइव है और एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द से ड्राइव है। ये ग्रीक शब्द जो हैं वो हैं एग्रोस एंड नॉमस। अगर इसका मतलब हम समझ जाएँ तो उसकी डेफिनेशन और क्लियर होगी। एग्रोनॉमी में एग्रोस का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं बैक, अब अगर हम फिर से बैक करें, तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन में यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट इंक्लूड हुआ है। तो एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमी कुछ ऐसे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। कौन सी चीज़ों को मैनेज करें, लाइक फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में सॉइल, वाटर और जितने भी हमें क्रॉप प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सब का मैनेजमेंट करना होता है, दैट इज़ रिफर्स एज एग्रोनॉमी। नेक्स्ट इज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लो लैंड। यानी प्लो लैंड का मतलब है, यानी एक ऐसी ज़मीन जिसमें हम प्लोइंग करते हैं, उसको जोतते हैं अच्छे से। तो प्लोइंग जिस लैंड में हमने करी होती, उसके बाद अगर हम क्रॉप की सोइंग करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, दैट इज़ उस टाइप के क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ रिफर्ड इज एरेबल क्रॉप। क्या बोलते हैं उनको, एरेबल क्रॉप्स होते हैं। एरेबल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी सोइंग से पहले लैंड में अच्छे से प्लोइंग हो जानी चाहिए। प्लोइंग या फिर यू कैन सिंपली से प्रिपरेटरी टिलेज, टिलेज ऑपरेशंस जो होते हैं, नॉर्मली टिलेज करते हैं हम, वो हो जाने चाहिए। तो उस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम टिलेज वाले फील्ड में ग्रो करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड इज एरेबल क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम एक
फ्लो लैंड में ग्रो करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा आ जाता है राइस। आफ्टर दैट बहुत सारे क्रॉप्स हैं, राइस एंड एक्सेट्रा, लाइक राइस, शुगर केन, मेज, पटैटो एक्सेट्रा। ठीक है, मेन राइस तो आप सबको पता है, जो राइस में हम कितनी अच्छे तरह से टिलेज करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट है एन एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरिनियल एंड प्रेफरेबली लेग्यूमिनस ट्रीज और श्रब्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली विद एरेबल क्रॉप्स। एक ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, जो एग्रोफॉरेस्ट्री, इसमें क्या होता है, एक तरह की एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है जिसमें हम लेग्यूमिनस ट्रीज या श्रब्स को ग्रो करेंगे, साथ में एरेबल क्रॉप्स भी होंगे। इन दोनों को साथ में ग्रो करने की जो टेक्निक है, दैट इज़ रिफर्ड एज एले क्रॉपिंग, और एले क्रॉपिंग का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाएगा। इन केस ऑप्शन में एले क्रॉपिंग नहीं है, द आंसर विल बी हैजरो इंटरक्रॉपिंग, बिकॉज एले क्रॉपिंग और हैजरो इंटरक्रॉपिंग सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है, एले का सिंपल हिंदी मतलब होता है गली, जैसे गली होती है, यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, गली के पास बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं, तभी हमने इसको नाम दिया एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री में ही हम बड़े बड़े पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ हैं, बीच में जो खाली रास्ता है यहाँ पे हम छोटे साइज़ के प्लांट्स लगा सकते हैं, मेनली जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की यहाँ बात करी ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा सकते हैं, पल्स क्रॉप्स जैसे होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल पीजन पी, इस टाइप के छोटे क्रॉप्स को जो हम बीच में लगा देते हैं ना, बीच के रास्ते में जो खाली रास्ता है, गली जैसी है, वहाँ पे जब हम क्रॉप्स लगाते हैं, तो इस तरह का जो क्रॉपिंग सिस्टम है एग्रोफॉरेस्ट्री में, दैट इज़ रिफर्ड एज एले क्रॉपिंग, और एले क्रॉपिंग को ही हम हैजरो इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्रॉप्स एक ही ज़मीन में लग रही, इंटरक्रॉप हो रही है, हैजरो इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द ईल्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। ठीक है, माने एक हमने क्रॉप ग्रो करी है जो कि हमारे मेन क्रॉप की ईल्ड को सप्लीमेंट करेगी। सप्लीमेंट माने कि फॉर एग्जांपल इन केस हमने क्रॉप ग्रो करी है और हमारी मेन क्रॉप अब फेल हो गई है, तो उसकी ईल्ड को सप्लीमेंट करने के लिए जो हम साथ में दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, ताकि उस थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा मतलब हेल्प मिल सके, दैट इज़ रिफर्ड एज ऑगमेंट क्रॉप। हियर द एग्जांपल ऑफ ऑगमेंट क्रॉप इज, एग्जांपल इज ग्रोइंग बरसीम अलॉन्ग विद मस्टर्ड। अगर हम बरसीम को ग्रो करेंगे अलॉन्ग विद मस्टर्ड, तो होता क्या है, इस केस में हमारी जो बरसीम और मस्टर्ड को जो हम ग्रो करते हैं, तो उसमें हमारी मेन क्रॉप अगर इफ़ इन केस फेल हो जाती है, तो हमारी जो सप्लीमेंटिंग क्रॉप होती है वो उसकी ईल्ड लॉस को सप्लीमेंट कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट होता है ऑगमेंट क्रॉपिंग में, आपको जो कीवर्ड होता है वो कैच करना होता है, तो ऑगमेंट क्रॉपिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज़ अ सप्लीमेंट द ईल्ड ऑफ मेन क्रॉप। इतना जो सेंटेंस है ना, इतना ही काफ़ी है आपको आंसर देने के लिए, दैट इज़ ऑगमेंट क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज क्रॉप विच प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेसिंग ऑफ एनिमल और रिस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड आर मेनली ग्रोन एज बॉर्डर। इस तरह के क्रॉप्स को क्या कहा जाता है जो मेनली फील्ड के बॉर्डर में ग्रो होते हैं, ये हमारा फील्ड है और सिर्फ किनारों पे बॉर्डर में ही वो क्रॉप्स ग्रो होते हैं। इन क्रॉप्स का मेन काम होता है किसी जानवर से बचाने को, जो हमारे अंदर के मेन क्रॉप्स होते हैं उनको, वहाँ कोई जानवर ना आ जाए, एंट्री ना हो जाए किसी की एनिमल्स की, उसको प्रोटेक्ट करना, प्लस विंड की जो हाई स्पीड होती है, विंड ऑफ तो हाई स्पीड ऑफ विंड, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्रॉप्स होते हैं। तो मेनली इन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, बॉर्डर में ग्रो हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बॉर्डर क्रॉप भी बोलते हैं, और क्योंकि ये एनिमल्स और जो विंड होती हैं तेज हवा, उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम गार्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो इनके बॉर्डर क्रॉप्स और गार्ड क्रॉप दोनों ही नाम हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल आता है बॉर्डर क्रॉप और गार्ड क्रॉप में, दैट इज़ ग्रोइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फील्ड है और फील्ड में हमने ग्रो करी है चिकपी, चना जो होता है चिकपी, फील्ड में लगी है चिकपी, और चिकपी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बाहर बाउंड्री में क्या लगा दिया, बाउंड्री में हमने ऐसी क्रॉप लगाई है जो एनिमल को बिल्कुल पसंद ना हो, एनिमल्स को पसंद ना करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लगा दिया सैफ फ्लावर, जिसको हिंदी में कुसुम बोलते हैं, सैफ फ्लावर लगाया, बिकॉज रीज़न क्या है सैफ फ्लावर लगाने का, सैफ फ्लावर में होते हैं थॉर्न्स, सैफ फ्लावर एक ऑयल सीड क्रॉप है और इसमें थॉर्न्स होते हैं यानी कांटे लगे होते हैं, तो यहाँ पे थॉर्न्स लगे हैं, कांटे लगे हैं सैफ फ्लावर में। अब कांटे लगे हैं तो कोई एनिमल कैसे एंटर करेगा, क्योंकि कांटे एनिमल को भी चुभ जाएंगे, इसलिए एनिमल सैफ फ्लावर के चक्कर में वहाँ पे एंटर ही नहीं करते हैं। और विंड की स्पीड्स को भी क्या होता है कि सैफ फ्लावर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इस केस में हमारी मेन क्रॉप चिकपी थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बाहर बाउंड्री में जो बॉर्डर क्रॉप लगाई है दैट इज सेफ फ्लावर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रदर देन फॉर लाइफ स्टॉक फीड और अ क्रॉप ग्रोन बाय अ फार्मर प्राइमरली फॉर सेल्स टू अदर रदर देन फॉर हिज और हर ओन यूज। समझ में आया, क्रॉप जो मतलब फार्मर एक ऐसी क्रॉप लगा रहा है जो उसको क्या करनी है, सेल करनी है, बेचना ही बेचना है, प्राइमरली उसका मेन एम ही यही कि वो उसको बेचे, अपने खुद के लिए उसको ना रखे और अपने लाइफ स्टॉक को जो है वो भी ना दे, ना खुद के लिए रखे ना ही लाइफ स्टॉक को दे, जो भी उगाए उसको जाके सेल आउट कर दे और सेल करने के बाद उसको मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा। तो पैसे के लिए हम करते हैं दैट इज़ बेच रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, यानी इस तरह के क्रॉप्स को हमने नाम दिया है कैश क्रॉप। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं द सच कैश क्रॉप्स आर सच क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रो फॉर सेल पर्पस, इसको हम सिर्फ सेल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं और सेल करके हम इससे कैश जो है कैश अर्न करते हैं, पैसा इससे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कैश क्रॉप। इसके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, लाइक इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है कैश क्रॉप का दैट इज़ टोबैको। ठीक है, टोबैको इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। आफ्टर दैट शुगर केन गन्ना, ठीक है, शुगर केन गन्ना हो गया, जूट हो गया, जूट कॉटन, ये इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स में आते हैं जूट कॉटन। तो ये सारे ही सारे जो हैं कैश क्रॉप का एग्जांपल है। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप जिनको फार्मर सेल कर देता है, बेच देता है। नेक्स्ट है टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछ लिया है, एग्जांपल्स देखिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल्स बताओ। तो कमर्शियल क्रॉप्स हमारे हैं कॉटन एंड शुगर केन, ये हमारे कैसे क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स होते क्या हैं, सच क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन टू अर्न मनी, यानी ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं ना कैश क्रॉप्स की कैटेगरी ही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं मनी यानी पैसे यानी कैश अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैश द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन द मेन क्रॉप इज फेल। अगर हमारी मेन क्रॉप फेल हो गई है और आने वाले सीजन में हम ऐसी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं जो हमें थोड़ी बहुत यील्ड जनरेट करके और थोड़ा सा इनकम जनरेट करके दे, ताकि हम मेन क्रॉप के जो मेन क्रॉप फेल हो गई उसके लॉस को थोड़ा सा कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलते हैं, क्योंकि फोर्थ कमिंग सीजन को कैच करना, यहाँ पे कीवर्ड आपने पकड़ लिया ना कैच, तो आप ईजिली आंसर करोगे इस तरह के क्रॉप्स का नाम ही होता है कैच क्रॉप। और कैच क्रॉप का एक और नाम है कंटिंजेंट क्रॉप। ठीक है, तो इफ़ इन केस आपको अगर आपको कैच क्रॉप ऑप्शन नहीं है, कंटिंजेंट है, तो कंटिंजेंट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैच क्रॉप्स या फिर कंटिंजेंट क्रॉप। इनका एक नाम और है, ठीक है, एक तो कैच क्रॉप बोलते हैं, दूसरा कंटिंजेंट क्रॉप बोलते हैं, तीसरा एक नाम और है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इमरजेंसी क्रॉप। इमरजेंसी क्रॉप भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैश क्रॉप्स और कंटिजेंट क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप एक ही होता है। ये होता क्या है, अगर हमारी मेन क्रॉप फेल हो गई तो एक ऐसी क्रॉप ग्रो करो जिससे हम आने वाली जो फोर्थ कमिंग सीजन है उसको हम कैच कर सकें। ठीक है, यानी मेनली दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड व्हेन मेन क्रॉप इज फेल। ठीक है, और इनकी खासियत क्या होती है, जो कैच क्रॉप्स और कंटिजेंट क्रॉप्स होती हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये जनरली कैसी होती हैं, शॉर्ट डे होती हैं, ये जनरली शॉर्ट डे क्रॉप्स में काउंट होती हैं, जो कम टाइम के लिए मतलब इनका ड्यूरेशन जो है पूरा कम टाइम का होता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं या फिर वी कैन से जो एकदम क्विकली ग्रो हो जाती हैं, इनका ग्रोथ टाइम बहुत का इनका जो ग्रोथ ग्रोइंग पीरियड है वो बहुत कम होता है, फास्टली ग्रो होती हैं। ठीक है, तो उनको जल्दी से हार्वेस्ट करके हम क्या होता है कि हमारी जो मेन क्रॉप फेल हो गई उसको हम उस चीज़ को हम कंपनसेट कर पाते हैं। तो ये याद रखना, कैच क्रॉप को ही हम कंटिंजेंट क्रॉप बोलते हैं, इसको हम इमरजेंसी क्रॉप भी बोलते हैं। इमरजेंसी क्यों बोलते हैं, इट इज़ क्लियर ना कि हमारी मेन क्रॉप फेल हो गई है तो हमारी इमरजेंसी है कि हम ऐसी क्रॉप ग्रो करें जल्दी से जो ग्रो हो जाए और पैसा आ जाए, तो वो हमारी इमरजेंसी क्रॉप है। ठीक है, मतलब मेन यहाँ पे पैसा जनरेट करना नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होता है कि मेन क्रॉप फेल हो गई तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं दैट इज़ इमरजेंसी क्रॉप, और जनरली वो क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए और बहुत क्विकली ग्रो हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल्स कौन कौन से क्रॉप होते हैं जो कैच क्रॉप की कैटेगरी में आएंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, वो सारे क्रॉप्स हमारे इसमें आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो पल्सेस होती हैं, स्पेशली जो मूंग हो गई, ठीक है, ग्रीन ग्राम मूंग, और उड़द हो गई ब्लैक ग्राम,
उड़द हो गई, तो इस टाइप के क्रॉप हो गए। इसके अलावा वेजिटेबल्स में बात करें तो ऑनियन, रेडिश, ओके। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कैच कैच क्रॉप्स, कंटिजेंट क्रॉप्स या फिर इमरजेंसी क्रॉप के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग प्राइमरली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ठीक है, क्लोज ग्रोइंग है मतलब बहुत पास पास नज़दीक ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं, जिन जिनका मेन काम क्या होता है, ये हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे सॉइल इरोजन से। दो दे ग्राउंड कवरिंग फॉलिएज, ये क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, ये पूरी की पूरी जो सॉइल होती है ग्राउंड होता है उसको ढक लेगा, कवर कर लेगा बाय देयर फॉलिएज यानी उनके पत्तों से या रूट मैट से, बिटवीन द पीरियड ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। इस तरह के क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी अगेन वर्ड है जो कैची वर्ड होता है दैट इज़ कवरिंग फॉलिएज। तो इस तरह के क्रॉप्स को हम कवर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो कवर क्रॉप्स का मेन काम होता है कि ये हमारी क्रॉप्स को सॉइल इरोजन से बचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कवर क्रॉप्स। और इसमें क्रॉप्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जो हमारी पूरे जैसे सपोज ये हमारी ज़मीन है इसमें ग्रो कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो होकर पूरी सॉइल को ढक दें। अब सॉइल को पूरा ढक देंगे, सॉइल से जो पानी लॉस होने वाला होगा अब वो कंपैरेटिवली कम होगा। अगर खाली सॉइल प्रेजेंट है तो इवेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, पानी लॉस होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई वेजिटेटिव वेजिटेशन ग्रो रखी है, कोई ऐसी क्रॉप ग्रो हुई है जो उसको ढक देगी, तो वो कहलाएगी कवर क्रॉप। और कवर क्रॉप के केस में वाटर का जो इवेपरेशन है वो नहीं होगा, वाटर एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, वाटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो इरोजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं दे आर रिफर्ड एज कवर क्रॉप। इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं कवर क्रॉप के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इसमें आता है हमारा काउपी जिसको बोलते हैं लोबिया, तो काउपी इंपॉर्टेंट कवर क्रॉप है, काउपी हो गया। आफ्टर दैट काउपी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, उड़द, ठीक है। इस तरह के जो क्रॉप्स हैं जो पल्स क्रॉप्स में आते हैं ये हमारे कवर क्रॉप्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन बोथ मेन क्रॉप एंड इंटर क्रॉप इज़ बेनिफिशियल टू ईच अदर। अगर हमारे मेन क्रॉप्स और इंटर क्रॉप्स जो हमने लगाए हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, एक मेन क्रॉप होगी दूसरी हमारी इंटर क्रॉप होगी और दोनों ही दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, कुछ अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है, तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ज्वार यानी सोरगम प्लस काउपी, ठीक है। ज्वार और काउपी यानी लोबिया को अगर हम साथ में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री का। क्यों, क्योंकि काउपी एक पल्स क्रॉप है तो ये नाइट्रोजन फिक्स कर देगी और ये नाइट्रोजन क्या है, सोरगम के लिए यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का इनके बीच में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। और जो ज्वार होता है सोरगम वो इसको सपोर्ट करेगा इसकी ग्रोथ के लिए, तरह का सपोर्ट सिस्टम प्यार करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ज्वार और काउपी का, जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है द क्रॉप्स लीव्स द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग, मतलब ऐसे क्रॉप जिनको हम ग्रो करते हैं उसके बाद ये सॉइल का सारा न्यूट्रेंट लेके सॉइल को एकदम न्यूट्रेंट लेस कर देंगे यानी एग्जॉस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे सॉइल को, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप जो फील्ड में एग्जॉस्टिव हो जाते हैं आफ्टर ग्रोइंग तो उनको बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव क्रॉप, ओके। सच क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर दे आर ग्रोइंग, यानी ऐसे क्रॉप्स जिसको हम ग्रो करके फील्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आते हैं हमारे सीरियल्स, जितने भी होते हैं ना हमारे सीरियल्स होते हैं राइस वीट, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव क्रॉप होते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट इनकी बहुत हाई होती है और ये सॉइल से सारा का सारा न्यूट्रेंट जो है अपने में ले लेते हैं और सॉइल एकदम न्यूट्रेंट डेफिशिएंट हो जाती है, एग्जॉस्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज ग्रोइंग फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक को फीड कराने के लिए जो क्रॉप होती है वो होती है ले क्रॉपिंग, ठीक है। एल फॉर लाइफ स्टॉक, एल फॉर ले, याद रखना। ले क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए जो क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहे हैं वो मेनली लाइफ स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए उनके लिए ही ग्रो करते हैं। और इसमें हमारे एग्जांपल्स कौन आते हैं ले क्रॉप में, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारी कौन सी क्रॉप होगी, जैसे बरसीम होगी जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, बरसीम इज अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। बरसीम हो गया हमारा ले क्रॉप। नेक्स्ट इज सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर
थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फॉलिएज, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो ज़मीन को पूरा कवर कर लेंगे, ढक लेंगे अपने फॉलिएज से, पत्तों से, और क्या करेंगे, सच क्रॉप्स ग्रो टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, और वो मिट्टी का मॉइस्चर भी कंजर्व करेंगे, वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इस तरह से जो क्रॉप होते हैं जो पूरे कवर कर लेंगे, वो कवर क्रॉप्स भी कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनका मेन काम क्या है कवर क्रॉप्स का, कि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं, यानी मिट्टी की जो नमी है उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ऊपर से कवर क्रॉप पड़ गई है तो इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो इरोजन नहीं है तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो मेनटेन रहेगा। इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलेंगे मल्च, ठीक है, मल्च क्रॉप्स बोलते हैं। मल्च क्रॉप का मेन काम होता है, इनका फंक्शन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पे, कि मल्च क्रॉप्स वही होते हैं जो सॉइल के इवेपोरेशन को ख़त्म करके सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करें, ठीक है। मल्च क्रॉप में जितने मेरे पल्स क्रॉप्स, मतलब सारे नहीं, फॉर एग्जांपल मल्च में हम यूज़ कर सकते हैं काउपी, लोबिया जो होता है वो मल्च क्रॉप की तरह यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पैरा यूटेरा क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। पैरा यूटेरा सेम होता है, दोनों टर्म्स जो होते हैं ये अलग अलग कंडीशंस में, यानी जो स्टेट हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इसलिए दो अलग अलग शब्द हैं पैरा यूटेरा, पर इनका मतलब सेम है। होता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द सीड्स ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एट 10 to 15 डेज बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप। ये हमेशा राइस में ही होता है, ये भी याद रखना। होता क्या है, जब हम राइस को ग्रो करते हैं तो राइस के हार्वेस्टिंग के बस कुछ ही दिन रह गए हैं, 10 से 15 दिन रह गए हैं, राइस हार्वेस्टिंग होने वाला है। तो हमने राइस ग्रो कर रखा है फील्ड में, अब 10-15 दिन में उसको हार्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन हार्वेस्ट से 10 से 15 दिन पहले ही हमने दूसरी क्रॉप की सोइंग यहाँ पे कर दी। तो आधे हमने राइस ग्रो करा था, राइस की हार्वेस्टिंग होनी थी इस दिन, और हमने कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन के पहले ही हमने सेकेंड क्रॉप की सोइंग कर दी। तो ये जो उस तरह का सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये मेनली राइस में ही फॉलो होता है, ओके। तो इस तरह के ग्रो क्रॉप्स कल्टीवेशन जो होता है ये हमारा कहलाता है पैरा यूटेरा सिस्टम। एक तरह का रिले क्रॉपिंग टाइप का सिस्टम है, रिले जैसे रिले रेस में होता है, रिले क्रॉपिंग होती है, वैसे ही टाइप का सिस्टम है पैरा यूटेरा, ठीक है। तो इसमें मेनली जो हम ग्रो करते हैं वो कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं राइस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल राइस है तो राइस के संग पैरा यूटेरा कॉम्बिनेशन में हम कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, मेनली यहाँ पे हम ग्रो करेंगे पल्स क्रॉप, और मेनली यहाँ पे ग्रो होती है लथाइरस, ठीक है। लथाइरस हो गई, इसके अलावा जितने पल्स क्रॉप हैं मूंग उरद ये भी ग्रोज करते हैं, बट मेनली राइस और लथाइरस का ही कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ठीक है, पैरा यूटेरा में लथाइरस और राइस विद लथाइरस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली द थर्ड रो ऑफ क्रॉप इज रिमूव और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन अ पेयर रो एंड द थर्ड क्रॉप इज एस्केप विद एन ऑब्जेक्ट टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर इन ड्राई लैंड एरिया। तो ये जो स्टोरी थी ये ड्राईलैंड एरिया की स्टोरी है। ड्राईलैंड एरिया में क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत, वैसे ही वहाँ पे बहुत ड्राईलैंड है, सूखा पड़ा है, तो उस वहाँ पे भी अगर बच्चा कुछ मॉइस्चर को हम कंजर्व ना करें तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ड्राईलैंड एरियाज़ में होता है कि सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करा जाए। सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है कि द थर्ड रो ऑफ द क्रॉप इज रिमूव, तो तीसरी जो हमने क्रॉप्स ग्रो करें रो में, तो उसमें से थर्ड रो जो है, थर्ड रो को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, स्किप करेंगे, और जो पेयर रो है उनको हम बाद में आगे चल के स्किप करेंगे। इस तरह से हम एक एक रो जो है वो स्किप करेंगे आगे चल के, इससे हमारा सॉइल मॉइस्चर जो है वो कंजर्व रहेगा। ये ड्राईलैंड एरियाज में परफॉर्म होता है बेसिकली, और इसका नाम होता है पेयर रो क्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं पेयर रो क्रॉप्स, ठीक है। पेयर रो क्रॉप में याद रखना ईच थर्ड रो इज़ रिमूव, हर जो तीसरी रो होती है वो हम क्रॉप की रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेयर रो क्रॉप, एंड दिस इज सुटेबल फॉर ड्राईलैंड एरियाज एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है मॉइस्चर को कंजर्व करना। पेयर रो क्रॉप्स मेनली कहाँ परफॉर्म होता है, ड्राईलैंड में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सच क्रॉप्स आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर कम्पिटेटिव। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स देखा था जो उसका एक दूसरे में बेनिफिशियल इफेक्ट था। अब कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो ना ही तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ना ही बेनिफिशियल होते हैं, ना ही को कंपटीशन करते हैं। इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप, जो ना ही तो कंपटीशन करेंगे ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस तरह के क्रॉप्स हमारे कहलाएंगे सप्लीमेंट्री, जिसमें ना ही कंपटीशन होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेज एंड कुकरबिट्स, मेज प्लस कुकरबिट्स, ठीक है। जब मक्का को और कुकरबिट्स को, कुकरबिट्स कुछ भी हो सकता है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, जो भी कुकुरबिट्स होते हैं, ठीक है,
तो अगर हमने मक्के को और कुकुरबिट्स को साथ में ग्रो करा तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इसका इस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ना ही इसका इस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, ना ये इस पर कोई निगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, ना ही ये इस पर कुछ निगेटिव इफेक्ट कर रहा, तो ना ही कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ना ही कुछ निगेटिव होगा। इस तरह का न्यूट्रल टाइप का जो क्रॉपिंग सिस्टम है सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, ना कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो न्यूट्रल टाइप का हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है मेज अलॉन्ग विथ कुकुरबिट्स, और ये सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप दोज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप्स फ्रॉम द सर्टेन पेस्ट एंड सेवरल पेस्ट। तो पेस्ट से बचाने के लिए जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं दे आर रिफर्ड एज ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स का नाम क्या है, ट्रैप खींचना। तो ये जो ट्रैप क्रॉप्स होती है अपनी तरफ कीड़े मकोड़ों को पेस्ट को खींच लेते हैं ताकि हमारी मेन क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब ना हो, तो ये होते हैं हमारे ट्रैप क्रॉप्स, ठीक है। ट्रैप क्रॉप का एक नाम और है टैप, जो ट्रैप क्रॉप्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिकोए क्रॉप्स, ठीक है। तो ट्रैप क्रॉप को डिकोए क्रॉप्स ही बोलते हैं, ठीक है। और इनका मेन काम होता है कि ये पेस्ट को कैच कर लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को हम ग्रो करते हैं अलॉन्ग विथ टोमेटो। अब इस केस में टोमेटो हमारा मेन क्रॉप है और टोमेटो में इंसेक्ट्स ना लगे इसलिए हम वहाँ पर मैरीगोल्ड ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टमाटर में जो सकिंग इंसेक्ट्स लगते हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे मैरीगोल्ड ग्रो कर देते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं लाइक यस रेड कॉटन बग एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो कि भिंडी में लगता है, ठीक है। कॉटन में जो रेड बग लगता है, मतलब कॉटन रेड बग इज़ अ ट्रैप, इट इज़ ट्रैप्ड बाई ग्रोइंग भिंडी अराउंड कॉटन। तो कॉटन में जो हमारी कॉटन है वो हमारी मेन क्रॉप है, कॉटन के आसपास हम ग्रो करते हैं भिंडी को यानी लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर वहाँ पे एक ट्रैप क्रॉप का काम करती है, ये कॉटन में लगने वाले जो इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं एग्जांपल रेड बग उसको उससे बचाती है, ठीक है। तो जितने भी पेस्ट लगने होते हैं वो हमारे लेडी बग में लग जाएंगे और कॉटन जो हमारी मेन क्रॉप ये सेफ रहेगी। तो इस तरह के क्रॉप्स को हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप या फिर डिको क्रॉप। नेक्स्ट सीरियल्स आर बोटानिकली कॉल्ड। सीरियल्स को बोटानिकली क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। जो सीरियल्स होते हैं कुछ सीड होते हैं जनरली ड्राई होते हैं और इस तरह के सीड्स को बोटानिकली कैरियोप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट है द मोर न्यूट्रेंट एग्जॉस्टिव फैमिली इज। सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट को एग्जॉस्ट खत्म करने वाली फैमिली जो है क्रॉप की वो कौन सी है, दैट इज़ पोएसी ग्रामिनेसी। अभी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव क्रॉप्स जो होते हैं, अभी हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिव क्रॉप्स जो होते हैं ये वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी ग्रोइंग के बाद सॉइल एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है, खाली हो जाती है, बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाती है न्यूट्रिएंट में। इस तरह के एग्जॉस्टिव क्रॉप्स में हमने पढ़ा था, एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया सीरियल्स। और सीरियल्स किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द पोएसी फैमिली। तो पोएसी फैमिली को माना जाता है कि न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड्स। नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड में हमारा कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा आता है सनफ्लावर। सनफ्लावर एक नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप में आती है। अब इसके अलावा एक तो सनफ्लावर नॉन कन्वेंशनल में आता है, इसके अलावा और भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल में आते हैं अदर देन सनफ्लावर, दैट इज तीनों के नाम ऐसे हैं सनफ्लावर, दूसरा हमारा हो गया सैफ्लावर एंड द नेक्स्ट वन इज सोयाबीन। तो आप याद कर लो कि जितने भी नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप हैं उनकी शुरुआत एस से होती है, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर सैफ्लावर, एस फॉर सोयाबीन। तो ये सनफ्लावर सैफ्लावर सोयाबीन ये तीनों हमारे नॉन कन्वेंशनल होते हैं, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। ऐसी कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है जो हम खा नहीं सकते, नॉन एडिबल, खाते नहीं हैं, तो दो ही हैं वो, ठीक है। पूरे ऑयल सीड क्रॉप्स में सिर्फ दो ही हैं मात्र ऐसी ऑयल सीड क्रॉप जिसको हम खा नहीं सकते, वो नॉन एडिबल हैं, दैट इज़ कैस्टर एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिनसिड। अब इनको खाते नहीं है तो करते क्या है इनका ऑयल का, इनका जो ऑयल होता है वो बेसिकली यूज़ होता है सम अदर टाइप ऑफ पर्पज, खाने के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, लेकिन यूज़ हो सकता है मशीन्स में ग्रीसिंग के लिए यूज़ हो सकता है, मशीन को प्रॉपर ग्रीस कर सकें ताकि अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए, लुब्रिकेटिंग ऑयल टाइप का प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इंडियन ओरिजिनेटेड फील्ड क्रॉप्स आर, इंडिया की कौन सी फील्ड क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, क्योंकि ये ओरिजिन से भी क्वेश्चन बन सकता है और इंडियन ओरिजिन क्रॉप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी सबसे पहले आती अरहर यानी पीजन पी, जिसको रेड ग्राम रेड या रेड ग्राम भी बोलते हैं इसको, दैन मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ठीक है कॉटन हमारी इंडिया की है, जूट इंडिया का है, कॉटन और जूट दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स इंडिया के हैं, कोडो ये क्या है, कोडो एक मिलेट है, कोडो मिलेट, कुटकी, ओट, ठीक है। तो ये दो कोडो और कुटकी ये मिलेट्स में आती हैं और ओट हमारा इंपॉर्टेंट पोएसी फैमिली का क्रॉप है। तो ये सारे फील्ड क्रॉप्स हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज, खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, दे आर जनरली क्लासिफाइड शॉर्ट डे प्लांट। खरीफ सीजन के जितने भी क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपके दिमाग में याद रहता है राइस, ठीक है राइस हो गया, इसके अलावा सोयाबीन, अरहर, तो इस तरह के जो खरीफ के क्रॉप्स होते हैं सब के सब क्या हैं, शॉर्ट डे हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। और अगर बात करें रबी की, रबी क्रॉप्स जनरली डिनोटेड एज लॉन्ग डे, रबी के जितने भी क्रॉप्स हैं वहाँ से लॉन्ग डे में आते हैं, रबी में जैसे एग्जाम्पल वीट, बाले, ये सब हमारे लॉन्ग डे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन होते हैं, तो डे न्यूट्रल प्लांट का अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारा कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं हमारा कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सेफ्लावर, ग्राउंडनट, बकवीट एंड टोमेटो। बकवीट जो हम व्रत में खाते हैं, आई थिंक कुट्टू का आटा जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड बकवीट, ओके। तो ये सब हमारे डे न्यूट्रल में प्लांट्स में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की जो सोइंग होती है वो कब होती है, ये जनरली मॉनसून टाइम में सो हो जाते हैं, जून और जुलाई के टाइम पे। ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी सोइंग, रबी की सोइंग हम कब करते हैं, रबी जनरली विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है उसके बाद ही हम इसकी सोइंग करते हैं, लाइक अक्टूबर का और अक्टूबर और नवंबर का जो बीच का टाइम होता है, ठीक है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और स्टार्टिंग का जो नवंबर का टाइम होता है, दैट इज़ ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी सोइंग। नेक्स्ट है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स, जनरली फील्ड क्रॉप्स का सीड्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो ज़्यादा गहराई में सोइंग नहीं करते, उनको हम 3 से 5 सेंटीमीटर में ही सोइंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हो गया, वीट हो गया, तो बहुत छोटे ग्रेन्स होते हैं, जितना ज़्यादा ग्रेन छोटा होता है उसकी सोइंग डेप्थ कम होती है। तो फील्ड क्रॉप्स के केस में जो सोइंग डेप्थ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एन पी के फॉर सीरियल क्रॉप्स, इन वेरी इंपॉर्टेंट है, सीरियल्स क्रॉप्स के लिए एन पी के का जो रिकमेंड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कितना होते हैं। तो सीरियल्स अभी हमने देखा, सीरियल्स की जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव फैमिली है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट लेती है, तो उसका जो एन पी के है वो ज़्यादा है। तो सीरियल्स का जो एन पी के रेशियो, दैट इज़ 4:2:1, यानी 4 parts नाइट्रोजन, 2 parts फॉस्फोरस एंड 1 part ऑफ पोटेश, ठीक है 4:2:1, दैट इज़ फॉर सीरियल्स। लेकिन अगर बात करें पल्सेस के लिए, अब देखो पल्सेस में तो ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है, वो खुद नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एन पी के है वो कम हो जाएगा, सीरियल्स के मुकाबले कम है, सीरियल्स में 4:1 था, पल्सेस में कितना होगा, पल्सेस में 1:2:1 या फिर 1:2:2, दोनों ही सही है, ठीक है तो यहाँ बीच में लगाना और दोनों ही सही हैं, ठीक है 1:1, 1:2:2, ओके। इन केस ऑफ ऑयल सीड्स, अगर ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स में भी हमारा जस्ट सीरियल्स में जो हमारा था ना उसका जस्ट नाइट्रोजन एक कम हो जाएगा, सीरियल्स में नाइट्रोजन ज़्यादा थी 4:1 और ऑयल सीड्स में 4:1 मतलब 4 में से 1 घटा दो 3:1 हो जाएगा ऑयल सीड में, ओके। फॉडर और फाइबर क्रॉप्स की अगर बात करें तो फॉडर फाइबर क्रॉप्स में कितना होगा, फॉडर फाइबर क्रॉप में 2:1:4 होता है। तो फाइबर क्रॉप्स में आपने देखा कि जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, याद रखना है थोड़ा स्पेशल है, बाकी सब में पोटेशियम कितना था, पोटेशियम कम है, बाकी सब में सीरियल्स में पोटेशियम 1 है, पल्सेस में भी 1 है और 2 ही है, ऑयल सीड्स में भी 1 है, लेकिन ये जो फॉडर और फाइबर क्रॉप्स आ गए हैं हमारे, ये थोड़े से इनको पोटेश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में पोटेश चाहिए फाइबर फाइबर क्रॉप्स को, तो यहाँ पे रेशियो में फाइबर जो है यानी जो पोटेश है वो बढ़ जाता है, तो 2:1:4 यानी 2:1:4, तो ये स्पेशल केस हो गया, ठीक है इसको तो याद रखना, चारों याद रखने, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड फॉडर
एंड फाइबर क्रॉप्स. फाइबर और फोडो क्रॉप्स में याद ना पोटेशियम अधिक होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द C3 प्लांट्स आर. एग्जाम्पल्स याद रख लो C3 प्लांट्स में कौन आते हैं. ठीक है, C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं. अगर आपने नहीं पता तो अभी हमारी चैनल में अरुण कहते हैं वॉल्यूम 2 का प्लेलिस्ट चल रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो. चैप्टर में जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है वहाँ पे आप C3 C4 कैंप प्लांट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो. तो वेल यहाँ पे हमको एग्जांपल्स देखने हैं. C3 प्लांट्स में एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं राइस, वीट, बाली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लैंटल, शुगर बीट, टोमेटो एक्सेट्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, C3 के एग्जांपल्स और इनमें से जो मेन एग्जाम्स पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, बेसिकली राइस, वीट और बार्ले को पूछा जाता है. ये तीन ही हमारे बहुत फेमस क्रॉप्स हैं. ठीक है, तो इनमें ही पूछ लिया जाता है, इसके अलावा कॉटन से ही पूछ लिया जाता है. तो ये सब हमारे C3 प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. C4 के एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब C4 में कौन सा आते हैं, C4 में जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है स्पेशल, इनमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है. क्या होता है, इनमें C4 प्लांट्स में पाई जाती है क्रैंस टाइप ऑफ एनाटॉमी, इनमें क्रैंस एनाटॉमी देखी जाती है. एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, C4 के एग्जांपल्स हैं मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर केन, मिलेट्स. इंपॉर्टेंट हैं और ये कम एग्जांपल्स हैं, इजीली आप याद कर लोगे. मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर केन और मिलेट, ये सब हमारे C4 प्लांट्स में आते हैं. नेक्स्ट कैम्प प्लांट्स के एग्जाम्पल, कैम्प प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ज़्यादा थिक होती हैं और जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं या फिर जितने भी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, वो सब प्लांट्स कैम्प प्लांट्स में आते हैं. जैसे पाइन एप्पल हो गया, खजूर इन डेट पाम, कैक्टस, सीसल, इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं दे आर रिफर्ड एज कैम्प प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर प्रोडक्शन इज बिटवीन. क्रॉप प्रोडक्शन का मेन जो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 18 to 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है द वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, 1000 सीड्स अगर होंगे तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट वेट, और अगर 100 बीज होंगे तो उसको बोलेंगे सीड इंडेक्स. डोंट कन्फ्यूज बिटवीन दीज 1000 and 100. ओके, 1000 बीज का वजन होता है टेस्ट वेट, 100 बीज के वजन को बोलेंगे सीड इंडेक्स. डोंट कन्फ्यूज. आगे चलते हैं, द नेट एसिमिलेशन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ. जो नेट एसिमिलेशन रेट होता है उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे. ठीक है, अगर इसको वैसे लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर -2 हो जाएगा, डे का -1 हो जाएगा. तो इसकी यूनिट होती है नेट एसिमिलेशन रेट, किस यूनिट में नापा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ज्योमेट्री इंश्योर्स यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स. कौन सी क्रॉप ज्योमेट्री में सोलर रेडिएशन जो है यूनिफॉर्म तरीके से आ सकती है, दैट इज स्क्वायर सिस्टम. स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं यहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वहाँ पे फ़ायदा ये है कि सोलर रेडिएशन आराम से यूनिफॉर्मली सब क्रॉप्स को अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव लेंथ लॉन्गर देन डैश मीटर पर माइक्रोन इज नॉट विजिबल टू आइज. कौन सी वेवलेंथ हमारी आंखों को विजिबल नहीं होती हैं, एंड दे आर रिफर्ड एज इंफ्रारेड. ठीक है, उनको हम इंफ्रारेड बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको पूरा पूरा वेवलेंथ का उस चार्ट अगर पता होगा स्पेक्ट्रम, जैसे ये हमारा जो विजिबल रीजन होता है, ठीक है, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, जो सन से निकलती हैं यूवी रेज, उस विजिबल रीजन का जो पार्ट होता है वो तो मेनली हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है. उसके बाद जो वेवलेंथ होती हैं, जैसे विजिबल रीजन जो होता है वो 400 से 750 नैनोमीटर का होता है. 750 नैनोमीटर के बाद का जो एरिया होता है, 750 नैनोमीटर के बाद का जो एरिया है दैट इज़ रिफर्ड एज इंफ्रारेड, यानी यहाँ पे यूवी के बाद आती है हमारी इंफ्रारेड. नेक्स्ट है हमारा द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर अकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इज नोन एज. इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी. मींस फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी एक डेवलपमेंट स्टेज होती है प्लांट्स की
प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आपको डेवलपमेंट करते हैं, तो प्लांट एक टाइम आने के बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई चेंज इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। मीन्स द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर। जितना ड्राई मैटर बनना था प्लांट्स के अंदर उतना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो गया है, इसके आगे अब और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज इन नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर अकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट्स, ठीक है। जो इकोनॉमिक पार्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा राइस है, सपोज क्रॉप, राइस में हमारा मेन क्रॉप क्या है, मेन पार्ट क्या होता है, जो हम खाते हैं उसके जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके ग्रेन्स खाते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो का मेन पार्ट क्या है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वही तो खाएंगे, उसके पत्ते थोड़ी खाते हैं, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक पार्ट। अब राइस के जो ग्रेन्स होते हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, अब इतने बड़े होने के बाद वो उनमें आगे और बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनका और साइज इंक्रीज नहीं होता, इतना बन गया इतना ही रहेगा। टमाटो के हम फल खाते हैं, अब टमाटो के जो फल हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इससे ज़्यादा और बड़े नहीं हो सकते, तो ये कहलाती है हमारी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। यानी अगेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में क्या होता है, एक तरह की डेवलपमेंट स्टेज होती है जब फर्दर हमारा ड्राई मैटर जो होता है, जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट होता है, वो आगे और इंक्रीज नहीं हो पाएगा, उस स्टेज को, उस डेवलपमेंटल स्टेज का नाम है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस। ओके, फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, और जो नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, ये हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू।